C with G. The whole sequence of these chemicals comprises our genetic code. Okay, so yesterday, मैंने खुद एक वीडियो बनाया है. इट इज स्टिल नीड टू बी एडिट अगेन, बट मैं चाहूंगा कि आपको शेयर करूं ये वीडियो मैं खुद बनाया हूं. देन वी विल स्टार्ट आवर वेबिनार फॉर टुडेज वेबिनार. Thank you.
So, okay, so welcome to yet another webinar on the world of genetics. Okay, so very good evening to all of you, and I just want to welcome each and everyone here for this yet another webinar on genetic health, right? So world of genetics mein aap sabhi ka swagat hai, and few are very new people here today. Kuch log hain jo hamare purane mitra hain. Ho sakta hai aapke liye ye fir se ek repeat ho, lekin main chahunga ki world of genetics mein hum jitne baar sunenge, जितने बार इसको पढ़ेंगे उतना ही हमको फायदा है. सो दैट नो इट विल बिकम दैट मच इजी टू एक्सप्लेन समवन. और ये जो वीडियो है, ये प्रेजेंटेशन के वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी करेक्शन है. ये 3.5 मिनट्स के वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें आपके जो क्लाइंट्स है आप डायरेक्टली उनको भेज सकते हैं. सो दैट नो what exactly why DNA is important and how DNA is important, उस सारे आंसर और क्या क्या हम DNA टेस्ट कर रहे हैं अगर चाहेंगे तो ये डिटेल्स में है. सो वी आर वर्किंग दैट, होपफुली इन डे टू डे थ्री इट विल बी देयर विथ यू. सो ओके, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द स्लाइड शेयर. आई विल शेयर द स्लाइड विथ यू. सो ओके, सो जैसे मैंने बताया कि दिस इज अगेन अनदर वेबिनार, और मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे, चाहे वो जेनेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पे, हम लोग फिर से मिले. और लॉकडाउन फुल्ली अभी तक ओपन नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम. सो वी कैन लर्न, सो दैट वी कैन री लर्न, एंड जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों से बात कर सकते हैं. तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है. जैसे आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास हमारे एक यूनिक टैलेंट है, एंड दैट यूनिक टैलेंट कभी कभी गहराई से हम जाके देख नहीं सकते हैं, लेकिन यूज करते हैं, राइट? ऐसे कहा जाता है कि अगर हर एक व्यक्ति अपने टैलेंट को ढूंढ ले और अपने टैलेंट के ऊपर काम करे, तो उसकी सक्सेस की जो रेशियो है वो बढ़ जाता है. आप देखिए, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, मेरे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिला, मैंने अपने पूरे 60 ईयर अपने जॉब में गुजार दी, है ना? किसी किसी को होता है ना, वो मतलब लाइफ में खुशी नहीं मिल पाता है कि जो करते हैं उसी से खुशी नहीं मिलता है, लेकिन हम उस पर लगे रहते हैं. बहुत सारे, अगर हम बच्चे की बात करें, पेरेंट्स की बात करें आज के डेट में, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स है या बच्चे हैं जो अपने ही जिंदगी, फैमिली जो बच्चे हैं, अपने पूरे जिंदगी अपने पेरेंट्स की रास्ते पे चलते हैं. मुझे क्या बनना है, मैं क्या करूँगा, ये डिसीजन पेरेंट्स का होता है. कभी बच्चा अपने गहराई पे जाके ये देख नहीं पाता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है. आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स के प्रोग्राम आ रहे हैं हमारे टेलीविजन पे, और ये प्लेटफॉर्म बहुत ऐसे नौजवान और बहुत ऐसे हाउसवाइफ, बहुत ऐसे लोगों को मौका दे रहा है. सो दैट वहीं पे हमको पता चल रहा है, वो प्लेटफॉर्म पे हमको पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति के एक अंदरूनी ताकत है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे एक छोटी सी बच्चा हो, चाहे वो लाइक नो फिजिकल कोई चैलेंज हो हुए इंसान हो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक बेहतरीन टैलेंट है. तो आज मौका है कि हम उस टैलेंट को ढूंढें और उस टैलेंट से हम आगे बढ़े. लेकिन उसी टैलेंट के साथ साथ जो आज वेबिनार है, वो जो बात हम करेंगे, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, जिस लॉकडाउन में हम घर में बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड इसको देख रहा है एक अलग नजरिया से, और ये सारे के सारे किसको अगर आप देखोगे तो हमारे हेल्थ को, हेल्थ के लिए ही ये सारे हम लोग छुपे बैठे हैं, या जो भी चल रहा है रोज हम लोग देख रहे हैं मीटर में. महाराष्ट्र आगे है, फिर दिल्ली आगे जा रहा है, फिर गुजरात इज गोइंग ऑन अ फास्ट,
तो इसमें सब कुछ पूरे वर्ल्ड की मीटर चल रहा है और ये है हेल्थ की चैलेंजेस इंसान को, जो टेक्नोलॉजिकली इतना हम साउंड है लेकिन फिर भी हमको सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में है अपने हेल्थ की। तो आइए देखिए, जो लाइफस्टाइल डिसीज है, जितने सारे जो आज के डेट में हमको तंग कर रहा है या हमको प्रेशर में डाल रहा है, ये सारे जो बीमारी है अगर आप देखोगे जो ठीक नहीं हो पाता है, ये अगर आप देखोगे ये सब कौन सा बीमारी है, ये हो गया कैंसर, आपके डायबिटीज, आपके हार्ट के इश्यूज, स्ट्रोक, ये सारे, राइट। तो नाउ क्वेश्चन ये कि बीमारी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जब हम छोटे थे इतने बीमारी हम लोग इतना नहीं था, जितना हम लोग धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं उसी हिसाब से रैपिडली ये बीमारी भी बढ़ रहा है, राइट। ये इमेज से हमको ये पता चलता है कि जैसे कंटामिनेशन डिसीज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है तो इसीलिए फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे हम आज अपना कोरोना की बात कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से कोई भी बैक्टीरियल वायरस जब अटैक करते हैं तो ये दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है, जो अभी हम देख रहे हैं। लेकिन ये कैंसर, ये हार्ट डिसीज, ये डायबिटीज, ये स्ट्रोक, ये सारे बीमारी जो आज के डेट में कहीं करोड़ की एक एक इंडस्ट्री है, मतलब इससे बहुत सारे वर्ल्ड में लोग जूझ रहे हैं, ये कैसे फैल रहा है, आप अपने बच्चे जो छोटे थे उस दिन से याद कीजिए, जितने इसकी बीमारी थे इसकी बीमारी बढ़ रहा है। तो नाउ क्या ये पानी से बढ़ रहा है, क्या ये एयर से संक्रमित हो रहा है, क्या कोई जैसे हम लोग आज बात करते हैं कोई स्नीजिंग किया, कॉफ किया तो कॉफ से या स्निजिंग से जा सकता है, क्या ये बीमारी हार्ट डिसीज या डायबिटीज ऐसे जा रहे हैं, क्या फिजिकल रिलेशन से, ये कोई एक फिजिकल रिलेशन से किसी को कैंसर है दूसरे व्यक्ति को कैंसर या हार्ट डिसीज हो सकता है, आंसर इज नो। तो ये सारे वजह ना होने के बावजूद, यहाँ पे देखिए सारे पे रेड क्रॉस है, तो ये सारे ना होने के बावजूद ये कहाँ से आ रहे जो इतना तेजी से फैल रहा है, राइट। और इसकी आंसर अगर आप गहराई पे देखोगे, ये सारे जो मोस्ट कॉमन डिसीजेस है इसकी सारी की सारी आंसर है आपके जीन या आपके बॉडी, राइट। तो आपके ही शरीर में ये सारे बीमारी छुपा रहता है, समय समय आने पे ये हमारे शरीर के आगे आते हैं। तो लुकिंग एट दिस इमेज, ये जो इमेज हम आपको दिखाए उसी को अगर आप देखोगे तो क्या आप बता सकते हो कि आज के डेट में कितने हेल्दी आप हो, ये एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम अपने को पूछते नहीं, ये सवाल हम अब तक पूछते हैं जब बीमार हमको होता है। और ये जो सवाल है इसीलिए क्योंकि आज के डेट में आपके जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को हेल्दी मानते हैं, लेकिन मैं बताऊं बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं एक्सरसाइज करना हेल्दी नहीं, बॉडी बनाना और हेल्दी रहना ये कम्प्लीटली टू डिफरेंट चीज है। सो बीइंग ए वेलबींग या आप इलनेस के ओर जा रहे हैं ये डिपेंड करता है, आप खुद सोच सकते हो कि मेरे जो आज के लाइफस्टाइल है, जो मेरा आज रोज की जो मैं कर रहा हूँ डेली रूटीन है, उस रूटीन में मैं किस दौर जा रहा हूँ, राइट। मैं इलनेस के ओर जा रहा हूँ या मैं गुड हेल्थ के वेलबींग और वेलनेस के दौर जा रहा हूँ, क्यों ये सवाल है, क्योंकि आप और मेरे जैसे ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो आज भी इस मानसिकता से जी रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ, और इस हेल्दी मानसिकता के कारण अपने जिंदगी में ऐसे कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं जिसमें उनको और इस वेलबींग या वेलनेस के और जाना पड़े। तो रोज जो लाइफस्टाइल है उनका वो करते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक डिसीज ना होने के कारण या कोई छोटे छोटे सिम्टम्स या लक्षण हो ना होने के कारण लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए वो पीछे हटते हैं। उनको लगता है कि जो मैं खाना खा रहा हूँ वो सही है, मैं ये खाना क्यों खाऊं, मैं तो परफेक्ट हूँ। तो ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति हर रोज किसी ना किसी फैमिली से, किसी ना किसी शहर से रोज हॉस्पिटल के ओर जा रहे हैं, राइट। ये कंटिन्यू जो लाइफस्टाइल कर रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है, ये आ रहे हैं बीमारी के ओर। कोई भी आप हॉस्पिटल में कैजुअलिटी में आप जाएंगे, चुपचाप आप खड़े रहेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल आ रहे हैं कैजुअलिटी आ रहे हैं, उनको अगर आप देखोगे कि क्या हुआ, नहीं अचानक ये कुछ बैठे हुए थे और गिर गए। अचानक ऐसे होने वाले बीमारी से जुड़ने वाले बहुत ऐसे लोग इमरजेंसी की बेड पे या जो हमारे स्ट्रेचर पे दौड़ दौड़ के आते हैं, और तब पता चलता है द वैल्यू ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है अगर किसी को पूछेंगे, सिक होने के बाद ही वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है।
तो हमारे जो हेल्थ इंडस्ट्री है ये सिर्फ हेल्थ लोगों को नहीं, ये सिर्फ सिक लोगों को ही सेवा कर रहा है। नाम हेल्थ इंडस्ट्री लेकिन बीमार को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ पे आता है, कोई भी एक सिक इंडस्ट्री में आता है, सबसे पहले उसको खबर पता चलता है कि भाई आपको एक बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है, चाहे कैंसर, चाहे डायबिटीज, चाहे बहुत ऐसे बीमारी की जानकारी हमको पहली बार ऐसे अचानक हमारे शरीर में कोई हलचल होने के बाद हमको पता चलता है। और आम आदमी को छोड़िए, बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं, बहुत ऐसे बड़े लोग हैं जो रिच फैमिली से हैं, उनको भी सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज की कैंसर पता नहीं चलता है। हम लोग कहीं कहीं न्यूज और खबर में सुनते हैं कि उनको कुछ तकलीफ हुआ और इमिडिएटली यूएसए चले गए और ट्रीटमेंट के लिए, राइट। बहुत ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो आपके नजर में आ रहे होंगे अभी। सो बहुत सारे ऐसे सीवियर क्रोनिक हेल्थ कंडीशन लेके भी लोग क्या करते हैं, आते हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जितने लोग, दो हिस्से के लोग हैं, देखिए 80% लोग जो हमारे जैसे, जो आज भी आप अपने को मानते हैं कि मैं ठीक, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बाजू वाले को हो रहा है, अगर कुछ बीमारी हो रहा है तो बाजू में हो रहा है, अगर कोई भी कैंसर हो रहा है तो चलो उनके घर में हुआ, मेरे घर में मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही सोच रखने वाले के घर में ही कोई ना कोई ऐसे व्यक्तित्व के घर में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये प्रॉब्लम्स आने के बाद हम अपने जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे सिक बेड पे आने के बाद। और सिक बेड के आने के बाद रोज हम प्रे करते हैं कि किसी तरह हम इस इंडस्ट्री से, इस सिक बेड से अच्छे हो जाएं, और उसके बाद कसम खाते हैं को कोई गलतियां हम नहीं करेंगे। तो जो 80% में रहते हुए करना चाहिए वो सारे हम वहां पे नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी होने के बाद ये सारे हरकत हम कहाँ पे करने लगते हैं, हमारे हॉस्पिटल आने के बाद या बीमारी होने के बाद। तो क्या क्या करते हैं अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे हम हरकत करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चेंजेस आता है हमारे लाइफ में, ये चेंजेस आता है हमारे इंफॉर्मेशन से, और ये इंफॉर्मेशन या हमारे जानकारी हमको अपने डॉक्टर्स देते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही आप एडमिशन करते हो या कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी कंप्लेन करता है, मेरे पेट में दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, या कुछ भी आप कोई भी कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर पहले आपको डायग्नोस करते हैं, राइट। क्योंकि जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे तो सटीक आपकी जो बीमारी उसके बारे में जानकारी हम ले ही नहीं पाते। तो डायग्नोस में अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई, बोन डेंसिटी के लिए जो हम बता रहे हैं, यूरिन के टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो जो जरूरत है कोई एक प्रकार की डायग्नोस्टिक टूल से आपकी डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं, और तब पता चलता है या तब जाके आपको जानकारी मिलती है कि आपके लाइफ में ये चेंजेस आया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैं कितने बार भी बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये एक छोटी सी टिप्स जो है हमारे एक व्यक्ति के जिंदगी में सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि चलो मेरे हेल्थ के बारे में ना मैं बहुत कसेस हूँ, मैं रोज हेल्थ चेकअप करता हूँ। बहुत ऐसे कंपनी है जो हेल्थ चेकअप करने के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको तब तक हेल्थ चेकअप करना है जब तक बीमारी ना आ जाए। वाई बिकॉज ये जितने सारे एक्सरे, एमआरआई, ये सारे आपके आने वाले बीमारी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देते हैं, राइट। ये जो बीमारी है ये आपको पता नहीं चलता है, आपको आने के बाद ही पता चलता है। तो नाउ आपको सवाल है कि क्या आपके बारे में आपको कुछ पता है? क्योंकि बहुत ऐसे बीमारी होने के बाद लाइफ में हम बदलाव करते हैं जो कभी हम सोचते नहीं। जैसे इस व्यक्ति अभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इस व्यक्ति की वजन और उसके जो पूरे शरीर की जो भाव उसमें जान सकते हो, ये व्यक्ति सूर्य उदय कभी देखा नहीं होगा। लेकिन जब हम बीमारी हो जाते हैं, हम अपने लाइफ में बहुत ऐसे चीज करने लगते हैं जो हम खुद सोचते नहीं है, जबकि वो जरूरत था कि हम जब सही थे उसी समय। तो ये लोग सूर्य नमस्कार करते हैं जो कभी सूर्य की रसने नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, बहुत सारे लोग एरोबिक्स, मेडिटेशन, जिम में जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब कुछ करते हैं तब जब बीमार होते हैं। बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में करेला जूस पीने लगते हैं
जो कभी करेला नहीं खाए होंगे। करेला किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे देखेंगे आप जॉगिंग ट्रैक में आप जाएंगे, उससे बाहर आते ही आपको बहुत सारे ऐसे करेले जूस की वेंडर मिलता है, लोग खड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है, हम ये सारे चीज क्यों करते हैं? क्या ये सब करने से हम ठीक होते हैं, या क्या ये सारे करने से एक व्यक्ति हेल्दी हो जाता है? आंसर इज नो। एक डायबिटीज व्यक्ति रोज करेला जूस एक एक लीटर पिए तो भी कोई फायदा नहीं, लेकिन क्यों करते हैं? हम दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हर व्यक्ति अपने लाइफ में सही रहने की कोशिश बीमारी आने के बाद ही करता है, और ये कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि बीमारी आने के बाद ही हम करते हैं या जो एक्शन लेते हैं, इसकी पीछे मतलब पीछे जो वजह है, ये क्या चेंज करता है अगर आप देखोगे, ये है आपकी इंफॉर्मेशन या जानकारी। इंफॉर्मेशन ही आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करता है। जैसे आपके एक्सरे, सीटी स्कैन या कोई भी प्रकार की डायग्नोस होता है और उसके रिपोर्ट आपके सामने डॉक्टर लेके बोलते हैं, भैया आपका तो सर पे ट्यूमर हुआ है, कैंसर होने की संभावना है, आपकी जिंदगी को लेके, जिंदगी को आगे देखने की नजरिया उस दिन से चेंज हो जाता है, राइट? तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो मेरा सवाल है कि ये जो डर है, ये जो सफरिंग है, ये जो दर्द है जो हमको सताता है, ये दर्द है हमारे डेथ की। क्योंकि जब जानकारी मिलता है, आदमी सीरियस होता है, तब हमको डर होता है कि भाई आगे मेरा डेथ ना हो जाए। तो आदमी जब सामने देखता है कि मेरे मौत मेरे सामने दिख रहा है, आदमी वो सब कुछ करता है जो कभी सोचता नहीं। तो इसी जो हम अब तक की बात की है, उसी बात से ये क्वेश्चन में आपको हो, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग ना एक्सरसाइज किए हैं, बहुत सारे ऐसे हम जंक फूड भी इसी वक्त खाए हैं। तो मेरा सवाल आप सबको है, क्या आप बता सकते हो कि आपके पास ऐसे कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर हेल्थ के लिए है क्या? क्योंकि आज अगर हम बात करेंगे, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि चलो मैं भी हेल्थ चेकअप करता हूँ, बीच बीच में जाके ब्लड टेस्ट करता हूँ या एक एक्सरे कर लेता हूँ, मुझे उसमें से पता चलता है कि चलो मैं हेल्थ के लिए सीरियस हूँ, तो मैं आपको बताऊँ ये गलत है जो आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कितने बार भी हेल्थ चेकअप कर लीजिए, आपको आपके आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप भी उन व्यक्ति की तरह अपने लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं लाओगे, आप भी सुबह नहीं उठोगे, नहीं दौड़ोगे, अगर दौड़ रहे हैं तो 5 दिन में एक बार, तो जो सीरियसनेस है वो नहीं आ रहा है। तो ये जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर हेल्थ के लिए, क्या आपके पास है? क्या आपके पास है कि मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं मेरे फ्यूचर में? क्योंकि हर व्यक्ति जैसे ही हम उम्र आते हैं, एजिंग होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, 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 मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो हम अमर की जो आशीर्वाद लेके या ब्लेसिंग लेके नहीं आए, सबको डेथ होना है। लेकिन पहले और अभी में क्या फर्क है? पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका भी डेथ हो रहा था, लेकिन वो अपने लाइफ को जी के फिर मरते थे, जिंदा जीते थे फिर मरते थे। आज क्या हो रहा है, हम पहले क्या हो रहा है, पहले जी रहे हैं 25-30 उम्र तक जी रहे हैं, उसके बाद रोज मर रहे हैं, मर मर के जीना ये हो गया है आज के डेट में। क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, जो मेडिसिन से लोग पेन में जी रहे हैं। आज की सबसे बड़ा दुख की घटना आप सभी लोगों को पता होगा, जो हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं, जो आज जो हमारे साथ नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहने हैं कि वो स्ट्रेस में जी रहे थे, तो जीना ही उनके लिए इतना दर्द था, उसको मरना ही पसंद आया। तो ऐसे बहुत सारे सुसाइड केस आ रहे हैं, वी डोंट नो, स्टिल पता चलेगा आगे जाके एक्चुअल मैटर क्या है। तो ऐसे सवाल आप अपने को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल हम अपने को पूछते नहीं, इसीलिए हम अपने बारे में इतना गहराई से देख नहीं सकते ना। सो जैसे मैंने बताया, 80% ऑफ ऑल ह्यूमन नोइंगली और अनोइंगली, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग हैं चलो जो होगा देखा जाएगा। बहुत ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं जिनके बारे में मैं डीएनए बात करता हूँ, बोले सर छोड़ दो, करोड़ों रुपया है, जो होगा देखा जाएगा, लाइफ जितना दिन है जिएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह बात करने लोगों की जिंदगी में जब तकलीफ आता है, तो उस दिन जाके उनको अगर पूछोगे, आंखों से आंसू निकल आता है। क्योंकि लोग, हर व्यक्ति अपने को लगता है कि लाइफ चलो मजाक है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे डायबिटीज जैसे बीमारी हमारे चलता है,
राइट, उसके बावजूद भी हम अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज हो रहा है, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं चलो बीच बीच में खून की जांच कर लो, लेकिन आपको क्या करेंगे, खून की जांच आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आपको डायबिटीज ना हो जाए। कितनी बार आप खून की जांच करोगे? हर बार आपको नॉर्मल आएगा, घर में आके सेलिब्रेट करोगे, चलो शुगर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर में ये पल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ये पहला क्वेश्चन पूछता है आपके फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में किसी को डायबिटीज था, ये सवाल आता है। क्यों क्यों फैमिली के बारे में पूछते हैं? दोस्तों फैमिली मतलब क्या है, क्यों फैमिली से रिलेटेड है, ये सवाल है। क्योंकि हम जो फैमिली की बात करते हैं, जो हेरिडेटरी की बात करते हैं, या जिसको अनुवांशिक बात करते हैं, जो हमारे फादर मदर और उनके फादर मदर से आया हुआ है, तो यहाँ पे सवाल होता है अगर कोई चीज मेरे फैमिली से आया हुआ है, कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ, इसका मतलब जब मैं माँ की गर्भ में था, जब पहली एक सेल था मेरा जायगोट, जो जब मैं शुरुआत हुआ था मेरा जिंदगी, तब से मेरे फैमिली से मुझे रिलेशन है, मतलब मेरे बीमारी की पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन मैं पैदा होने से पहले होने के बावजूद मैं ये ब्लड टेस्ट एक्सरे करने की नाटक कर रहा था। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें आपको जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो मैं आज आप सभी को बताऊं कि अगर आप यू आर रियली लाइक यू नो सीरियस ऑफ योर लाइफ और आप अपने फैमिली के बाद, मतलब आप यंग हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है तो आप अपने पेरेंट्स की बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपकी जिंदगी को लाए हैं, तो उनके बारे में हमारा सोचना जरूरी है, क्योंकि उनके भी फैमिली में कोई ना कोई हिस्ट्री हो सकती है, राइट? तो ऐसे अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट जो है क्या टेस्ट करता है, जो हमारे जानकारी हमारे फ्यूचर को पता नहीं चलता है। दोस्तों जैसे हमको जानते हैं कि एक शरीर एक बॉडी बना हुआ है सिस्टम से, राइट? बहुत सारे सिस्टम्स मिलके एक शरीर बना है, सिस्टम्स बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम्स को बना है, ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यूज बनके एक ऑर्गन्स को बना है, टिश्यूज बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यूज को बना है। सो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स, जिसे सेल से बॉडी बना हुआ हम जानते हैं, और हमारा कोई भी टेस्ट होते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, जो सेलुलर लेवल पे होते हैं, जैसे HbA1c, जैसे एक ब्लड टेस्ट की बात करूं तो आपकी सेल्स के ऊपर के चदर पे कितने सुगार है, ये हम जानकारी लेते हैं। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, जो फैमिली की बात करते हैं, क्या है वो फैमिली जहाँ पे हम जो जान नहीं पाते हैं, जो ये सेल्स के ऊपर पता नहीं चलता है, एंड दैट अगर आप देखोगे इट इज इनसाइड द सेल। ये कुछ हरकत जो हमारे सेल के अंदर जाके होता है, इतने गहराई पे होता है, जो हमारे ये ब्लड टेस्ट, हमारे ये जो एक्सरे एमआरआई जो डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको पकड़ नहीं पाते। वो क्या है? तो अगर हम सेल्स के अंदर जाएं, जैसे आप देख सकते हो सेल्स की जो बीच पार्ट है, जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे माँ बाप आज भी जिंदा है, चाहे वो हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम के साथ मेरे माँ और मेरे बाप बैठे हुए हैं, और उसी 23 क्रोमोजोम के अंदर उनके मदर फादर भी है। तो हमारे पूरी की पूरी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स भी सारे लोग, अगर आप देखोगे, उसी क्रोमोजोम के अंदर है। उसी क्रोमोजोम को अगर हम स्ट्रेच करते हैं और एक सेक्शन को जाते हैं, सीढ़ी की तरह देखने वाले ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे डीएनए है, और उसी डीएनए को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, उसके हर एक सेक्शन को हम बोलते हैं जीन। तो जो भी फैमिली की बात हम करते हैं, जो हम हेरिडिटरी बात करते हैं, या आपके अनुवांशिक बीमारी की बात करते हैं, तो ये सेलुलर लेवल पे नहीं, ये यहाँ पे ये जेनेटिक की बात करते हैं। तो ये जो जेनेटिक में हमारे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरी छुपा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में होता है। तो ये था आपके इनसाइड सेल, जैसे मैंने बताया कि एक मानव शरीर से ये डीएनए तक आपका जो डबल हेलिक्स है, तो डीएनए जो आप जानते हैं, जिसको हम अनुवांशिक की मटेरियल्स बोलते हैं, आप जो आज बने हो, आपकी स्किन कलर, आपकी आंखों के कलर, आपके हेयर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी मेमोरी, ब्रीथिंग, ये जो देन है, ये सॉफ्टवेयर से हुआ है, और ये सॉफ्टवेयर आपके माँ बाप से आया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड डीएनए।
deoxyribonucleic acid. So ये जो DNA है, ये जो CD आप देख रहे थे, ये CD वे CD जो आप देखते हैं, जो है 37.2 trillion cells है एक human body में, उसी के अंदर ये जो CD है, इसके अंदर एक एक आप देखते हैं, जैसे CD में चढ़ने के लिए एक एक steps होते हैं, इसी तरह इसके अंदर 3 billion base pairs हैं, और ये 3 billion base pair चार ही letter में coded हुआ है हमारे शरीर में, जैसे हम छोटे बच्चे थे, right? और एक धीरे 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 ब्लड सेल बना, फिर बोन बना, देन हेयर, स्किन, सब कुछ बना. ये बनने की पूरी प्रक्रिया एक लाइब्रेरी की तरह हमारे DNA में सारे चीज लिखा हुआ है, और उसी लिखा होने के कारण ही सब कुछ बनता है. देखिए, एक एक बच्चा जो है, बोलता ना कभी कभी कंप्लीट बच्चे नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि वो DNA की प्रोग्राम में अगर मिस हो जाता है, कोई भी कोडिंग किसी तरह अगर गलती से मिस होता है, तो उस प्रोग्राम को ना पढ़ने के कारण बहुत ऐसे ऑर्गन्स बन नहीं पाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो आज अगर हमको एक स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, तो ये पूरे की पूरे श्रेय जाता है आपको DNA में. हर एक व्यक्ति के अंदर DNA है, और आप और मेरे के अंदर सिर्फ 0.1% की DNA है, लेकिन उसी 0.1% में भी हर एक व्यक्ति पूरे विश्व में एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति से अलग है. तो ये DNA जो है, इसकी ताकत है, राइट? तो आज जो हम बात करेंगे, जैसे हमने जितना बात हम अभी कर रहे थे, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में बार बार बता रहा था, ये था बीमारी होने के बाद की जानकारी, राइट? जो आज हम जेनेटिक टेस्ट बात करते हैं, राइट, वो जो है बीमारी आने से पहले की जानकारी. तो नाउ आपको देखना है कि आपको कहाँ पर वेट करना है. आपको वेट करना है वो मेडिकल, यहाँ पे आपको बीमारी हो जाए और उसके बाद आप जाएं और हॉस्पिटल में आपकी जांच कराएं, या आप अभी ये टेस्ट करें जो टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जेनेटिक, जो आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको जानकारी दे. मैं रिक्वेस्ट टू म्यूट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू. So this is a predictive genetic testing. What is predictive? Prediction मतलब आने वाले चीज को अगर हम predict करते हैं. Astrology science, yes, जहाँ पे prediction होता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, अगले 6 महीना में ग्रह नक्षत्र में क्या changes होगा, उसकी आपको कैसे effects आएगा. तो इसी हिसाब से हमारे life की भी जिंदगी, जिस प्रकार से वो आप astro science को आप पढ़ते हैं, जन्म कुंडली आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे जो जन्म है, उस जन्म की भी कुंडली है, और ये जन्म कुंडली आपके DNA में लिखा हुआ है, जो हम आगे जाएंगे, जिसकी प्रेडिक्शन से, जिसकी जानकारी से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा, और ये जानकारी जब भय पैदा करता है, आप बीमारी होने से पहले ऐसे जिंदगी में बदलाव करेंगे, और ये बीमारी आने की संभावना से ही रहेगा, आप आपके हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हो, राइट? तो ये DNA में बहुत सारे आविष्कार हो रहा है. तो आपको मैं बताऊं, ये जो DNA है, ये इतने स्मॉल में सारे चीज लिखा हुआ है, अगर आपके शरीर से DNA को निकाल दिया जाए और उसको स्ट्रेच किया जाए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे सूर्य हमसे कितने दूर हैं, कैन यू इमेजिन, कितने लाइट ईयर दूर हैं सूर्य हमसे, लेकिन आपके शरीर कि अंदर जो DNA है उसको अगर स्ट्रेच करेंगे, इतने लेटर लिखा हुआ है कि आपके शरीर को चलाने के लिए, उस लेटर को एक बाई एक रखेंगे तो सूर्य को टच करके 300 बार हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, इतने सारे डेटा है. कैन यू इमेजिन, एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे डेटा है जो हम सूर्य के पास जाके 300 बार आ सकते हैं. इसके साथ साथ कुछ मजेदार चीज है, जैसे अगर आप बताओ जो DNA कोड है आपकी, ये जितने सारे सॉफ्टवेयर बना है, इससे कहीं गुना पावरफुल सॉफ्टवेयर है. जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. इसी प्रकार जितने सारे सॉफ्टवेयर मानव ने बनाया है, ये जो DNA सॉफ्टवेयर जो ईश्वर ने बनाया है, जिसके इतने सारे लेटर्स कोडिंग हुआ है, राइट, ये दुनिया की सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर है.
ये जो डीएनए आप देख सकते हो, इसी के अंदर इतने सारे चीज है जो 3.2 बिलियन बेस पेयर के अंदर लिखा है, और ये सारे के सारे जो लेटर लिखा हुआ है सिर्फ 4 लेटर में लिखा हुआ है, राइट। और डीएनए हर एक प्राणी में, हर एक पेड़ पौधे में, सारे जगह पे डीएनए है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इवन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस भी है, जो अभी हमको कोरोना जैसे वायरस है उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस से भी डीएनए है, और हम अपने डीएनए लगभग एक बैक्टीरिया वायरस से भी कुछ परसेंटेज भी मेल खाता है, राइट। अगर मैं बताऊं तो चिंपांजी है उसके साथ हमारे लगभग 98% डीएनए मैच करता है, एक मक्खी से 76%, एक चूहे से 92%, एक फिश से लगभग 52-51% की डीएनए मैच भी हमारे करती है, ओके। तो डीएनए टेस्ट अगर आप याद करेंगे या उसको कोशिश करेंगे सुनने के लिए, तो डीएनए नॉर्मली जब हम सुने हैं तो कहाँ पे होता है, नॉर्मली एक बच्चा की भागीदारी या उस बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढने में डीएनए की टेस्ट होता था। जब अब हाल ही की बात करें तो एनडी तिवारी की एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जहाँ पे आप सारे लोगों को पता है कि वहां पे उनके जो बच्चे थे उनके ऊपर जो भी है लीगल इशू किए थे, जहाँ पे केस हुआ, उसके बाद लास्ट में पता चला कि हाँ डीएनए टेस्ट होने के बाद ही, क्योंकि कोई सुप्रीम जज भी नहीं बता सकते हैं कि कौन है आपके पिता या माता, तो ये डीएनए टेस्ट होता था। आज भी ये डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ फॉरेंसिक लैब जो है जहाँ पे क्राइम होता था, मर्डर हो गया, कहीं पे रेप हुआ, तो वहां पे भी डीएनए फॉरेंसिक लैब के लिए भी टेस्ट होता। आज ये दोनों की बात हम नहीं करते हैं, आज जो डीएनए टेस्ट की हम बात करेंगे ये आपकी वेलनेस और आने वाले हेल्थ के बारे में, उसी डीएनए जो डीएनए की जो सूत्रधारा है उसी डीएनए से हम उसको जानकारी लेंगे, राइट। तो डीएनए बहुत सारे ऐसे हेल्थ में बदलाव बहुत सारे लोगों को तो ला चुका है, लेकिन ये एक व्यक्तित्व है जिनको पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय है, इसे हॉलीवुड में ये अंजेलिना जोली है, जिनकी पहले डीएनए बहुत बड़ा चर्चा में डीएनए टेस्ट आया था, इनकी मदर और ग्रैंड मदर की डेथ हुआ था कैंसर में, ओवेरियन कैंसर, और इनकी जब डीएनए जांच किया गया, अमेरिका की कंपनी ने जब इनकी डीएनए जांच किया गया तब पता चला कि इनकी डीएनए से ये पता चल रहा है कि उनको भी 87% चांसेस था, और आज अंजलिन जोली को कोई रिस्क नहीं है कैंसर की, क्योंकि उनकी डीएनए जांच के बाद वो काफी प्रिवेंशन लिए, प्रिकॉशन लिए, आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे। जेनेटिक इंडस्ट्री इतना बूम होने जा रहा है, इतना तेजी से जा रहा है, आप लोग प्राउड फील कीजिए, क्योंकि आप ऐसे एक मार्केट में है जो एक एक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, खाली कैंसर की, कार्डियोवास्कुलर की, ओबेसिटी की, फार्माजिनोमिक्स की, एक एक सेक्टर में कहीं बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और ये टोटल जो है ये 28.5 बिलियन 2026 के आगे ये जाने वाला है, जस्ट इमेजिन कीजिए। और सबसे ज्यादा एशिया में ये उसकी मार्केटिंग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, चाइना और एशिया में हम लोग हैं, और हम लोग लकी हैं क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े पॉपुलेशन के कतार में बैठे हुए हैं। कोरोना आने के बाद लोगों की जिंदगी में नजरिया जो है, देखने की नजरिया चेंज हो चुका है, लोग हेल्थ के और काफी अलग एक नजरिया से देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ये एक मौका है आप सभी लोगों के लिए कि डीएनए के जो मार्केट साइज है आप उसके देखिए, क्योंकि हेल्थ को कम्प्लीटली आगे लेके जा रहा है। तो ये एक आपको नजरिया है जो आप देख सकते हैं। डीएनए की जो रेस है ये स्टार्ट हुआ 1989 से विथ सम साइंटिस्ट, और ये जो प्रोजेक्ट था ये था द होल जीनोम प्रोजेक्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट में काफी सारे देश धीरे धीरे ज्वाइन किए, जैसे आप जान सकते हो जापान, चाइना, फ्रांस, यूएस, और ये दुनिया की सबसे हेल्थ के ऊपर रिसर्च किए वाले प्रोजेक्ट। और तब पता चला 13 साल की रिसर्च के बाद कि हर एक व्यक्ति के जिंदगी में जो बदलाव आ रहा है हेल्थ को लेके, बीमारी को लेके, ये सारे सब कुछ कहाँ पे छुपा हुए है, ये राज छुपा हुआ है आपके डीएनए, राइट। और एक बार अगर आप डीएनए टेस्ट करते हो, जिंदगी भर की डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसी से आपको पता चलता है। ये जो पहले एक डीएनए टेस्ट करने की जो प्रक्रिया था, ये जो प्रक्रिया था
ये प्रक्रिया पहले बहुत समय लगता था, लेकिन अभी ऐसे समय आ चुका है जो हाई क्वालिटी मशीन हमारे हाथ में है, और इसी हाई क्वालिटी मशीन से जो आप देख सकते हो, जो हम भी यूज करते हैं, ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन और हाईली टेक्नोलॉजी वाले मशीन से जो हम यूज करते हैं, और इसी से इल्यूमिना मशीन जो है, और उसी से पता चलता है आपके फ्यूचर जेनेटिक के बारे में, आपके जीन को ये पढ़ता है। और जो कहीं साल लगता था, क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए, जो इतने सारे डेटा है आपके शरीर में, उस डेटा को इस मशीन के माध्यम से कम समय में आपको रिपोर्ट दे पा रहे हैं। जैसे आप बता सकते हैं, जानते हैं, जैसे कोई भी एक फादर या मदर से हमको ये बीमारी आते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कोई ये फादर या मदर हमारे शरीर में है कि नहीं, क्योंकि मेरे फादर या मदर में शायद वो बीमारी ना हो, लेकिन उनके डीएनए में रहता है, क्योंकि उनके फादर और मदर को शायद हो, या उनके फादर या मदर को हो, हमको पता नहीं चलता है। तो हम लोग तुरंत ही बता नहीं सकते हैं कि कहाँ से हमको बीमारी किस प्रकार से हमको आ सकता है, और ये एक छोटी सी जानकारी आपके लाइफ में एक क्रिटिकल सेव ला सकता है, राइट? सो जेनेटिक्स हेल्थ के साथ साथ काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं बताऊं, सिर्फ ये नहीं कि आपके आने वाले जिंदगी के बारे में आपको बताए जेनेटिक्स जो फील्ड है जहां पे आप कदम रख चुके हैं, उसकी अगर फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है मैं आपको हल्का से बताऊं, तो बहुत कुछ फ्यूचर में होने वाला है जो हो रहा है, और शायद आपको पता नहीं, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। केवल जी आपको आने वाले बीमारी, आपको होने वाले बीमारी, आपकी बीमारी की जड़ या रूट का जो नहीं बताएगी, जेनेटिक्स बहुत आगे जा रहा है। जेनेटिक्स न्यू बर्न टेस्टिंग, जैसे मान लीजिए बच्चा जो कंसीव करने से पहले, कंसीव होते ही, तो वो फिटस से हम डीएनए लेके उसके बारे में कर सकते हैं। प्री सिम्टमेटिक डिसीज हो सकता है, कैंसर से ट्यूमर लेके उस कैंसर के बारे में भी जानकारी लेके उसकी कंप्लीटली ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे डीएनए की जानकारी अभी चल रही है, राइट? तो अगर जेनेटिक देखेंगे तो फार्माजेनेटिक्स, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, कोई भी दवाई हमको मिलता था, हम उस दवाई को खा रहे थे, और बोलते ना ट्रायल एंड एरर हो रहा था। तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे किताब हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो डेथ बाय प्रेस्क्रिप्शन करके एक किताब है, अगर आप जाओगे उसके गहराई पे देखोगे, बहुत ऐसे डेथ मेडिसिन से लोगों का हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं इस मेडिसिन जो मैं लिख रहा हूँ इस किस प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। जेनेटिक के माध्यम से आज हम जान सकते हैं कि कौन से ड्रग्स मुझे कितना काम आएगा, वो मेरे को रिएक्ट करेगा कि नहीं। और खुशी की बात है, पूरे की पूरी फार्माजेनेटिक्स में हमारे जो डीएनए है, उन डीएनए में हम सारे टेस्ट दे रहे हैं अभी बना के। उसके साथ साथ पर्सनलाइज मेडिसिन है ना, जैसे मैंने आपको बताया कैंसर में स्पेसिफिक क्या डोसेस हो सकता है या कौन सी बीमारी में डायग्नोस्टिक, और ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शस जैसे हम बता रहे हैं कि जो इन्फेक्शस डिसीज है जिसको ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर बोलते हैं, आपकी सारे लोगों की जानकारी, जितने सारे ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर है, लगभग 38 ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर भी हमने अपने पैनल में जोड़ चुके हैं। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जेनेटिक्स इज ऑल्सो बूमिंग, जैसे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारे जो हार्ट हेल्थ है, पहले हम लोग मेडिसिन में ट्रीटमेंट करते हैं, नाउ कम्प्लीटली हार्ट की जो पूरी हेल्थ है वो हमारे कार्डियक मेडिसिन से लेके कार्डियक ट्रीटमेंट भी जेनेटिक्स से हो रहा है। अगर आप देखेंगे टूडेज हेल्थ रियलिटी, अगर आप देखोगे, ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक सेगमेंट में कितने सारे मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। तो ये कार्डियो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप देख सकते हो 17.3 मिलियन, कैंसर 7.5 मिलियन, स्ट्रोक जहाँ पे हमको पैरालिसिस होता है या जो ब्रेन में स्ट्रोक होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज राइट 4.2 मिलियन, डायबिटीज 1.2 मिलियन लोग अफेक्टेड है। तो ये WHO की रिपोर्ट है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, राइट? तो ये जो फ्यूचर है, जब बच्चे हैं हमारे घर में, हम तब से ही उनके जिंदगी में क्या क्या आ रहा है हम देख सकते हैं। जैसे मैंने बताऊं, एक एक फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी आपके डीएनए के साथ कैसे बिहेव करता है, ये जेनेटिक्स लेवल पे हम न्यूट्रोजेनोमिक्स की साइंस से भी आपको बताते हैं, क्योंकि एक एक छोटी सी फूड भी आपके जिंदगी में बहुत बदलाव, साइज आपके, जैसे घर में आपके फैन है ऑन ऑफ आपके मर्जी से होता है, इसी प्रकार आपके डीएनए में बहुत सारे जो स्विचेस हैं
अगर आपको पता चले वो भी आपकी मर्जी से चलेगा, अगर वो बुरा ही है या अच्छा है उसकी स्विच ऑन और ऑफ आपके हाथ में है, राइट। तो जो मेडिसिन से लेके, जो कैंसर से लेके, हार्ट से लेके, आपको मैं बताऊं यहाँ पे गहराई पे जाके, रूट कॉज पे जाके हम डिटेक्ट कर सकते हैं पहले से ही। क्योंकि पहले से अगर हमको कैंसर के बारे में पता चले, पहले से अगर डायबिटीज के बारे में पता चले, पहले से अगर ऑटोइम्यून डिजॉर्डर के बारे में पता चले, तो कई हद तक उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। सो रिसर्च क्या बोलता है कि जितने सारे सीरियस हेल्थ जो है, अब अगर देखोगे नाउ इन एवरी सिक्स हर एक व्यक्ति को जो है सीरियस हेल्थ जेनेटिक कंडीशंस है, राइट। अब अगर मैं बताऊं कि जो फ्यूचर के बारे में, कि जेनेटिक्स को लेके फ्यूचर में क्या क्या आप देख सकते हो, ऐसा एक पेड़ है जैसा आप देखते हैं, ये एक पौधा है जहाँ पे ऊपर है टमाटोज और नीचे है पोटैटोज। ये टमाटो जो है ये ऊपर आएगा और ये नीचे मिट्टी के नीचे आपके आलू आएंगे और ऊपर जो है आपके टमाटोज आएंगे। और ये है जेनेटिक्स की कमाल। और ये नहीं कि ये आने वाले हैं, ये आ चुके हैं। और इस प्लांट का नाम है पोमाटो। ये पोमाटो प्लांट है जिसमें जब आप खेती करेंगे तो ये नीचे आपके पोटैटोज आएंगे, आलू आएंगे, और ऊपर जो है टमाटोज आएंगे। और ये हुआ है सिर्फ जेनेटिक की बदौलत। तो इसी प्रकार अंधेरे घर में अगर आपको कोई चूहा, ऐसे रेडिएंट चूहा दिखे तो ये दिख सकता है, ये संभव है। और इसी प्रकार सिर्फ चूहा नहीं, आपके जो एक्वेरियम है वहाँ पे मछली भी रेडियम जैसे लाइट हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे चीज आ चुके हैं। और ये जो है ट्रांसजेनिक माइस जो है ये फ्लोरोसेंस से थ्रू ग्लो हो रहा है। और आपको मैं बताऊं कि फ्यूचर में इतना साइंटिफिक वे में काम चल रहा है कि जो रोड है, हमारे हाईवेज हैं, उस हाईवे में इसे हमको ट्री लगाने की प्लानिंग चल रहा है, साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं जिस ट्री में ये जेनेटिक म्यूटेशन डाल के, तो ताकि धीरे 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 जब रात हो जाए ये ट्री इतने जोर से ग्लो करे तो बहुत सारे हाईवेज में इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ये ट्री अगर दोनों बाजू में रहेंगे, ये ग्लो करेंगे, तो ये ग्लो करने से लाइट मिल सकता है। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, हो सके फ्यूचर में ऐसे चीज भी हम देखेंगे। जैसे डिजाइनर बेबी, आपके बच्चे आगे बीमारी नहीं आए, नॉट ओनली देन उनकी जो ब्रेन की क्वालिटी, उनके हाइट, उनके स्किन के कलर, उनके नाक लंबा हो, उनके हाइट बढ़िया हो, वो गोरे हैं, एथलेटिक में चैंपियन हो, ये सारे चीज भी आप सिलेक्ट करके आप अपने बच्चे को आगे जाके डीएनए में मॉडिफिकेशन करके आप पैदा कर सकते हो, जिसकी नाम है डिजाइनर बेबी। और बहुत ऐसे छुपे छुपे ये काम हो रहा है आज के डेट में। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमारे चाइना के, एक बहुत बड़ा चाइना के साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे ऊपर में हैं, जो अभी अभी दोनों बच्चे को डिजाइन बेबी पैदा किए हैं। उनके माँ और बाप दोनों एचआईवी संक्रमित थे, लेकिन वो एचआईवी की जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी उन बच्चे को जाने वाला था, जहाँ पे डीएनए के जिस सेक्शन में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपके डीएनए आपको एक मेमोरी है, राइट। अभी मैं आपको एक अच्छे गुड न्यूज बताऊं जो कल ही मैंने सुना हिस्ट्री चैनल में। जितने सारे मम्मीज हैं जो दफना गए हैं, जिनके अभी कंकाल मिल रहे हैं, है ना, उनके जो स्केलेटन मिल रहा है, उस स्केलेटन से डीएनए लेके उनके मेमोरी क्या थी, उनके गठन क्या थी, वो लोग क्या क्या कर रहे थे, उनके फूड हैबिट क्या था, उस मेमोरी को पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके ऊपर काफी बड़ा रिसर्च हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस स्लाइड पे, ये दोनों बेबी चाइना में पैदा ले चुके हैं। और ये डिजाइनर बेबी, ये साइंटिस्ट ने बिना एचआईवी इनको है और ये स्वस्थ है, राइट। और इसी प्रकार जैसे आप देख सकते हो लायन है, यहाँ पे लायन है, ये एक टाइगर है, ये दोनों की जेनेटिक मिलन से एक नया प्राणी को पैदा किया है, उसकी नाम है लाइगर। लायन एंड टाइगर इज ए लाइगर, और ये प्राणी आपके सामने, राइट। तो इतने सारे चीज जो जेनेटिक में बदलाव हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में हमारे फ्यूचर है, जिस फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और आप कोई भी प्रोफेशन से हो, आप इसमें अगर जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड और गर्व के विषय है, राइट। इसी गर्व के साथ साथ दुख की बात है कि बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमारे इंडिया में है। इंडिया 2025, 30 या 40 तक पूरे विश्व में आगे जाएगा, ये संभावना के साथ साथ बहुत ऐसे बीमारी है, ये बीमारी से हम भी आगे जा रहे हैं। नंबर वन हार्ट के डेथ,
नंबर वन हाइपरटेंशन बीमारी, नंबर वन डायबिटीज बीमारी, नंबर वन कैंसर डेथ, ये बढ़ रहा है, राइट। तो हम सभी की कोशिश से जेनेटिक्स के माध्यम से आने वाले ये सारे बीमारी को अगर रोकना है तो सिर्फ लोगों को जानकारी दे के हम रोक सकते हैं, और ये जानकारी केवल संभव हो सकता है एकमात्र डीएनए टेस्ट में। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में मोबाइल फोन हर 2 साल में एक चेंज कर रहा है, हर 3 से 4 साल में एक गाड़ी चेंज कर रहा है, हर 3 से 4 साल में रेफ्रिजरेटर, टीवी और फ्रिज चेंज कर रहा है, लेकिन उससे कहीं गुना कम पैसा में अपने फैमिली की हेल्थ को जानकारी एक व्यक्ति जिंदगी में एक बार लेके पूरे फैमिली को अगर हेल्थ करेगा, इसी प्रकार अगर हम इसको प्रचार करें, हम पूरे कंट्री से एक अच्छे वेलनेस की वातावरण ला सकते हैं। ये कोशिश करना बहुत जरूरी है। और एक बिजनेसमैन की नाते अगर आप सोचते हो इसकी इंडस्ट्री, हर एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज से लगभग अर्बन एरिया में 10,000 से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई गरीब जो गांव में रहता है लगभग अगर उसको डायबिटीज से, तो लगभग डायबिटीज के एक्सपेंस जो है 6,250 रुपया पर हेड है। आप एक गांव में अगर कोई घर खरीदता है, क्योंकि घर एक इतना इमोशनल प्रॉपर्टी होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जिंदगी में अगर मुझे कुछ हासिल करना है, घर हासिल करना है, और गांव में अगर कोई घर बनाता है लगभग 5-6 हजार में ईएमआई में हो सकता है घर, एक छोटी सी कुड़िया अगर बना रहा है उसको, लेकिन उससे कहीं गुना उसकी ईएमआई आपकी डायबिटीज के खर्च में चला जाता है। तो इतने बड़े बोझ जो हमारे देश के हैं, और ये बोझ अगर आप देखोगे 34,000 करोड़ रुपीज की बोझ हम सब मिलके उठा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज कितने करोड़ लोगों को होने वाला है उन व्यक्ति को कुछ पता नहीं, उनके जिंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर आप देखेंगे हार्ट हेल्थ की, कार्डियो हेल्थ की, ये भी एक बड़ा समस्या है पूरे हमारे इंडिया में। पहले लोग जो हैं ज्यादा उम्र में उनको हार्ट अटैक होता था 60 एंड अबव, अभी कम से कम उम्र में जो है हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट हेल्थ कंप्लीटली आपके डीएनए के ऊपर है, लाइफस्टाइल की पूरी चेंजेस करके वो हार्ट हेल्थ को रोक सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग उस इंडस्ट्री को भी देखें, ओबेसिटी, जहाँ पे मोटापा एक बहुत बड़ा समस्या है। और आपको बताऊं कि नॉट ओनली बड़े मोटापा है, चाइल्ड ओबेसिटी ऑल्सो 14 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड, बच्चे। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ओबेसिटी के कारण हमको हार्ट बीमारी, कार्डियक बीमारी, आपका डायबिटीज, आपके कैंसर से लेके बड़े बड़े बीमारी, जॉइंट्स की बीमारी, उसकी घर पलता है हमारे। और बहुत सारे लोग मोटापा से कम होने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च कहता है 60% पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट। मैं कहता हूँ सिर्फ डीएनए ही एकमात्र आंसर है, जहाँ पे रूट कॉज में जाके हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, गारंटेड, अगर वो हमारे कहने हुए रास्ते पे चले। इफेक्ट 15 से 20 दिन में दिखेगा, बहुत सारे लोगों को दिख चुका है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टारगेटेड जो हमारे थेरापी है उसमें से मोटापा का जानकारी हम लेके उनके लिए काम कर सकते हैं। अगर 60% लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपकी काम 60% सरल हो गया। आप जस्ट जाके डीएनए के बारे में लोगों को समझाइए, इजीली लोग करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मोटापा से रहूं। तो ये इंडिया की जो हेल्थ केयर है, ये 2030 तक बूम होने जा रहे हैं डीएनए में। आज कौन सा डेट है आप इमेजिन कीजिए, तो आपके जो बूमिंग है, आपके जो एकदम टॉप पे आने वाले समय है 2030, लगभग 10 साल आप आराम से इस बिजनेस में रह के उसके बाद आपको और सक्सेस ज्यादा मिलेगा। तो ये फ्यूचर है आपकी डीएनए के लिए। तो डीएनए के माध्यम से हम आज एक प्रेडिक्टिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लेके हर एक व्यक्ति के घर में जा रहे हैं। प्रेडिक्टिव इसीलिए क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ये जानते हुए भी अगर किसी को प्रेडिक्शन नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि मेरे जिंदगी में, मेरे बच्चे के जिंदगी में, मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ के, मेरे फादर या मेरे मदर के जिंदगी में क्या तकलीफ आने वाला है, प्रिवेंशन किस चीज की लेंगे? प्रिवेंशन तब संभव है जब प्रेडिक्शन हो। तो पहले हेल्थ नहीं, पहले प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन तब संभव होगा जब आप अपने जेनेटिक्स करेंगे। तो जिंदगी में एक बार आप अपने लाइफ को अलग नजरिया से देखने के लिए, आप अपने लाइफ की जो गति है उसको देखने के लिए जेनेटिक्स इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी जेनेटिक्स को लेके हम आए हैं विन डीएनए, जो आपके जिंदगी में वेलनेस की क्रांति लाने की हम कसम खाए हैं। और आज प्रेजेंट कर रहे हैं मोर देन 150 जेनेटिक टेस्ट, जिसमें
कंप्लीटली 38 इम्यून हेल्थ जो 15,000 रुपीज की हम आज आपको गिफ्ट कर रहे हैं इस समय में। डीएनए की जो देना और डीएनए रिपोर्ट में 7 स्टेप में हो जाता है। स्टेप 1 में जो भी हमारे जेनोमिक काउंसलर है, एडवाइजर है, आप उनसे संपर्क कीजिए। आप अपने जो सलाइवा है, ये सलाइवा जैसे ये सलाइवा किट है, तो ये किट आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 ml सलाइवा देना है सिर्फ लाल, कि लाल से आपका डीएनए जांच हो सकता है। आपके शरीर की कोई भी पार्ट से आपकी डीएनए जांच हो सकती है। जैसे आपके डिस्पैच होता है लाल आपके शहर से मुंबई, तो हमारे लैब में टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद एक कम्प्लीटली आपके फोटो लगे हुए लगभग 140-150 पेज की प्रिंटेड प्लस आपको डिजिटल वर्जन की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट मिलने के बाद जैसे मान लीजिए कोई भी आप नियरेस्ट पैथोलॉजी लैब में जाके रिपोर्ट करते हैं, वो आपको समझाते नहीं कि क्या हुआ है, ये ना आप समझ पाते हो। आप अगर 1 लाख रुपया का भी रिपोर्ट करोगे कोई आपको समझाएंगे नहीं, आपको और एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। डॉक्टर बोले देखो ये किडनी की बता दिया मैंने, ये जो है लिवर की, आप लिवर डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन हमारे में आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं होता है, ये कम्प्लीटली कम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम में आपकी ख्याल रखा जाता है। आपके जेनोमिक काउंसलर जो एडवाइजर हैं वो आपको आइडिया देते हैं, आपकी सलाइवा सैंपल कलेक्ट होता है, डीएनए टेस्ट होते हैं, आपकी रिपोर्ट आता है, और सबसे बढ़िया उसके बाद हमारे जो जेनेटिक एक्सपर्ट हैं आपको काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। अगर लॉकडाउन के बाद फिजिकली भी हमारे जो फ्रेंचाइजी है वहां पे बैठ के आपकी खुद की शहर में आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको हमारे एक्सपर्ट समझाएंगे कि आपके डीएनए में क्या क्या प्रॉब्लम है। और खाली समझाएंगे नहीं, आपसे समझेंगे कि आपके प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन क्या है, आपके फैमिली हिस्ट्री क्या है, और ये दोनों को मैच करके आपके लिए बनेगा सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन कोई ड्रग या कोई मेडिसिन नहीं, ये सोल्यूशन बनेगा आपकी किचन, क्योंकि फूड बनेगा आपकी मेडिसिन। जैसे ही जेनेटिकली हम देखेंगे आपके हर वो फूड कैसे आपकी वो जेनेटिक बीमारी को रोक सकता है, लगभग 300 से ज्यादा बीमारी को रोकने की प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। उसके साथ साथ एक डीएनए बैंकिंग, जैसे स्टेम सेल बैंकिंग आपने सुना होगा, ऐसे डीएनए बैंकिंग की फ्री सुविधा भी आपको यहाँ पे 8 साल के लिए हम दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ 12 महीने की हेल्प डेस्क आपके साथ, हम हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, बिना कोई शुक्र बिना कोई पैसा आपको हम हेल्प करेंगे, राइट। तो इसमें क्या क्या प्रोफाइल हम कर रहे हैं तुरंत 1-2 मिनट में आपको बताऊं। पहले तो हम पूरे आपके न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखेंगे, जिसमें आपके फूड क्या क्या आपके डीएनए के साथ कैसे फूड आपका मैच करता है, और कौन सा फूड कमी है, जैसे कौन सा विटामिन्स कमी है, कौन से मिनरल्स कमी है, जो उसमें क्या क्या बीमारी हो सकता है। इसी के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो ज्यादा हमको चाहिए, जिसमें एनर्जी मिलता है, जैसे आपका प्रोटीन, आपके कार्ब्स, आपके फैट, कितना प्रोटीन आप ले सकते हो, क्या क्या प्रोटीन ले सकते हो, कार्ब्स कितना लेना है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप कौन सा तेल खा रहे हैं, ये सारे भी आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से भी हमको पता चलेगा। उसके साथ साथ आपके फूड सेंसिटिविटी या फूड इंटॉलरेंस बता रहे हैं, कोई कोई फूड आपको बहुत सारे तकलीफ देता है, लेकिन फूड के साथ हमारे इमोशनल रिश्ता होने के नाते हम कभी सोच नहीं सकते कि मेरे खाना मुझे इतना तकलीफ दे सकता है। बहुत सारे बीमारी की घर में पल जाता है और हम बीमारी को ठीक करने की जिंदगी गुजार देते हैं। तो फूड सेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस के माध्यम से ये जो केमिकल रिएक्शन है, फूड एलर्जी है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, किस खेल कूद में आप ज्यादा जा सकते हो, कितना बॉडी का ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, कितना मसल्स आपका बन सकता है, क्या क्या इंजुरीज आपको आ सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करोगे। आप एक जबरदस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं या स्लो एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आपको हम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में देंगे। मेंस हेल्थ, तो मेंस के अंदर जो फंडामेंटल, जो मेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, पुरुषों में जो जो बदलाव आते हैं उसके ऊपर, उसी के साथ साथ वुमेन्स हेल्थ भी हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। उसी के साथ स्किन हेल्थ, तो कम्प्लीटली आपके स्किन कैसे रहेंगे और स्किन के कितने सारे बीमारी, जैसे सन से आपको तकलीफ हो सकता है, इंटरनल एजिंग प्रोसेस है आपके, कब आपका स्किन क्या खराब होने वाला है, स्किन की बहुत सारे बीमारी, इसके बारे में भी हम पूरे के पूरे प्रोफाइल यहाँ पे स्किन हेल्थ में करते हैं। वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, ये दोनों डीएनए के माध्यम से जिस प्रकार से आपको चाहिए हम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, जो गजनी मूवी थी, दंगल मूवी थी, आमिर खान जी की दंगल मूवी में
उनको वजन बढ़ाना था, मोटा बाप की रोल करना था और उसी के साथ साथ एक लड़का रोल करना था जो रेसलर हो, ये दोनों संभव हुआ था उनका डीएनए जांच करने पे। तो मोटा और पतला दोनों आपके डीएनए से हो सकता है और ये प्रोफाइल भी आपको हम करके दे रहे हैं। आपके हार्ट हेल्थ, जो कार्डियो हेल्थ, जो आपको बताऊं लगभग 40,000 करोड़ की मार्केट है हमारे हिंदुस्तान में, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देते हैं। उसी के साथ साथ आपकी आंखों की हेल्थ, आई हेल्थ भी आपको देते हैं, आपकी किडनी हेल्थ के बारे में देते हैं। डिटॉक्स, हमारे बहुत सारे हम साबुन लगा के नहा लेते हैं, शैम्पू कर देते हैं, लेकिन उतना ही केमिकल्स हमारे सांस के थ्रू, हमारे हल्दी, हमारे कलरफुल जो मिर्ची के पाउडर, हमारे फूड में जो प्रकार के कलर है, बहुत प्रकार के मेडिसिन में, ड्रग्स में टॉक्सिन्स होते हैं, अल्कोहल में होता है, निकोटिन में होते हैं, ऐसे बहुत सारे गंदगी जो हमारे ऑर्गन्स में, हमारे खून में घूमता रहता है। ये जितना डिटॉक्स अच्छा होगा उतना स्किन, उतना आपके लिवर हेल्थ, उतना आपके शरीर भी ठीक रहेगा। और ये डिटॉक्स करता है आपका जीन, तो आपके जीन आपके शरीर में किस प्रकार से डिटॉक्स कर रहा है, कितना कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसकी फेज वाइज आपकी जानकारी हम देंगे हमारे डिटॉक्स प्रोफाइल में। बिहेवियरल हेल्थ, आज जो दुख की घड़ी है, जो आप लोगों के सारे व्हाट्सएप पे चल रहा होगा, सुशांत सिंह राजपूत जिनकी डेथ हुआ है, इनकी डेथ की वजह भी आप देखिए इस बिहेवियरल हेल्थ के ऊपर मैं आपको बात कर सकता हूँ। बहुत सारे जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसकी भी बहुत सारे 1 करोड़ रुपए की, कहीं बिलियन रुपीज की हेल्थ है, जो बहुत सारे लोग ट्रोमा में है, और ये भी जेनेटिकली चेंजेस होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होता है शरीर में, जो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसकी भी पूरी जानकारी और उसकी भी पूरी की पूरे सोल्यूशन हमारे बिहेवियरल हेल्थ सोल्यूशन के अंदर आपको हम देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आज सबसे बड़ा अगर कोई बात कर रहा है, इम्यून सिस्टम, राइट। और इसी दौरान हम 3 प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं आपकी इम्यून को ठीक रखने के लिए, इम्यून रेस, विटामिन D2 एंड जिंक मिथियोनाइन। सो मोनोमिथियोनाइन, जिंक एंड इम्यून रेस और विटामिन डी के एक कॉम्बिनेशन हम बना है आपको इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे रिजल्ट आए हुए, मैं चाहूंगा कि आप सारे अपने फैमिली में यूज कीजिए, 28 डेज की ही मात्रा है, ताकि आपको अगले 3 महीना तक प्रिवेंशन मिलेगा इम्यूनिटी के लिए, बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो लगभग 38 डिफरेंट पैनल्स हम डीएनए में, रूट कॉज में जाके आपके देखेंगे, ताकि अंदरूनी आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सारे चीज आपको आंसर हम दे सके। और ये सारे के सारे 153 जो पैनल्स है, ये आता है 2 हिस्से में। एक आता है माई वेलनेस, जहाँ पे लगभग 110 to 115 टेस्ट होता है, जिसकी MRP जो है हमने रखा है 35,000। और माई इम्यून जो अभी अभी मैंने दिखाया, ये वाला ऑटोइम्यून डिसीज जो माई इम्यून हेल्थ है, ये है 15,000 रुपीज। तो ये दोनों अगर मिलाते हैं तो 50,000 रुपीज के है। लेकिन आप सभी के लिए जो ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, 35,000 रुपीज में आपको 50,000 की मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे 4, 5, 6 लोगों में एक साथ करूं, तो जो भी आपको इन्वाइट किए हैं उनके लिए, हम डिपेंड करता है कितने फैमिली का है, उसी हिसाब से हमारे अलग अलग प्राइस में हम डिस्काउंट देते हैं। हम एनकरेज करते हैं लोगों को कि ज्यादा से एक बार जिंदगी की सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, आप अपने फैमिली को दीजिए। तो ये रहा आपके जिंदगी भर के लिए, लाइफ में एक बार आपको जो डीएनए करना है, डू वंस इन लाइफ टाइम डीएनए टेस्ट की प्राइस। तो दोस्तों, बॉटम लाइन आज की पूरी, अगर जो हम 1 घंटा से ऊपर समय से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बॉटम लाइन यही है कि आपके शरीर आपके एक मंदिर है, राइट। जिस प्रकार को मंदिर को कैसे हम साफ सफाई रखते हैं, किस प्रकार से हम प्रे करते हैं, किसी प्रकार से बिहेव करते हैं, किसी प्रकार से हम वर्शिप करते हैं, तो आपकी जो घर है वो आपकी मंदिर है। जिसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट उसके दोगे, जिसी प्रकार से उसको आप नजरिया से देखोगे, उसी प्रकार से आपको आपको रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दैट्स हाउ गॉड डिजाइन, आपको भगवान ने बना है आपके मंदिर, ये शरीर को, ये गिफ्ट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है आपका शरीर। आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, आप उस 80% में मत रहिए जो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, मुझे कैंसर नहीं होगा, इससे मत सोचिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो सपने देखते हैं, सिर्फ शरीर उस सपने को पूरा करता है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं रहे तो आपके ऐसे बहुत सपने अधूरे रह जाएंगे, जो शायद ये शरीर होता तो कर लेता। जैसे सुषमा स्वराज जी, उनके सपने पूरे नहीं हुए थे,
लेकिन शरीर साथ नहीं दिया। जयललिता के सपने पूरे नहीं हुए थे, उनके साथ शरीर नहीं दिया। धीरूभाई अंबानी के सपने पूरे नहीं हुए थे, और बहुत सपने वो देखे थे जो करने वाले थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दिया। स्टीव जॉब्स जो हमारे एप्पल के ओनर हैं, जो दुनिया के सबसे एक अमीर हैं, उनको शरीर भी साथ नहीं दिया। पिछले बार में उनके वीडियो भी आपको दिखाया था। गोवा के चीफ मिनिस्टर, क्या उनके सपने नहीं थे? बोलते ना, उनके दुश्मन भी नहीं थे, सपने दूर की बात है। तो नेक्स्ट अगर हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनको देख रहे थे, आज उनको शरीर साथ नहीं दिया। तो सपने बहुत हैं जो ये शरीर ही पूरा करता है। तो इस मंदिर को देखभाल कीजिए, और मैं चाहूंगा, क्योंकि यही है कि अगर हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे तो हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वेबिनार यहीं पे विराम हम लेते हैं। तो नो योर बॉडी एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, यही था आज के वेबिनार की पूरी की मैसेज। मैं चाहता हूँ कि तहे दिल से आप सभी का फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप इसको सुने। जितने बार सुनोगे उतने बार आपको सीखने को मिलेगा, और इसी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसकी जरूरत है हिंदुस्तान में। आपको पैसे की जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है, इसकी बात नहीं, लेकिन ये हमारे देश की जरूरत है, करोड़ों लोगों की जरूरत है, और उसी जरूरत के सोच के आप लोगों को ये शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। तो आई विल एंड दिस स्लाइड हियर, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ जिनको क्वेश्चन है प्लीज आप एक एक कीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए, और बाकी लोग प्लीज म्यूट में रहिए, सो दैट आप उनकी क्वेश्चन सब लोग सुन सकते हो और मेरे आंसर भी सभी लोगों तक जा सकता है, राइट? यस सर। ओके, हेलो, आई हैड अ क्वेश्चन। हेलो, यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। दिस इज नाइस एंड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन व्हिच यू हैव एक्सप्लेन, व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग टू दिस वेबिनार, सो थैंक्स, आई एम गेटिंग व्हाट आई एम नीडेड, दिस इज फैंटास्टिक सर। वन ऑफ माय वन रिक्वेस्ट, is it possible to in the next meeting you can just explain the how the report is ongoing, and you just explain with the report base, it will be very helpful us, because so many of don't know that how this report is generated. bilkul bilkul, aur report bhi hum log ek session mein pure report ko explain kar dunga. Okay. Okay sir, thank you. Thank you, any question? Thank you very much sir. I had a question. Yeah, please. सर मैं पूछ रहा था कि अगर एक डीएनए किसी से मिलता है, वो आप बोल रहे थे कि सलाइवा से या फिर ब्लड से, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिवाइज दैट, उसका रिजल्ट जानने के लिए कितना टाइम लगेगा सर? नहीं नहीं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, तो फिर से दोबारा कीजिए, पूछिए। सर अगर आप जो बोले सर डीएनए जो आप लेंगे वो सलाइवा हो या फिर ब्लड हो, तो वो टाइम कितना लगेगा उसको रिवाइव करने के लिए, कि उसको जानने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, व्हाट हैव टू डू व्हाट नॉट हैव टू डू? ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जो आपके सलाइवा आपके शरीर में हर एक पार्ट में डीएनए है, राइट? लेकिन जितना ज्यादा डीएनए हमको मिलता है उतना ज्यादा हमको एग्जामिन करने के लिए सही होता है। तो दो प्रकार से डीएनए ज्यादा आपको मिल सकता है हमको, जो है आपके ब्लड से और आपके सलाइवा फ्लूइड है। तो ब्लड हर एक व्यक्ति से कलेक्ट करना, क्योंकि हम डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ते हैं, तो संभव नहीं होता है। तो ये सलाइवा जो है, ये सलाइवा के किट यूके से हम मंगाते हैं और ये आप तक पहुंचाते हैं, राइट? ये जो किट, तो ये सलाइवा जब आप देते हैं तो एक 15 से 20 दिन के अंदर इसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो जाता है, और एक 25 दिन के अंदर पूरे प्रोसेस में आपके हाथ में रिपोर्ट आ जाता है। मतलब इट विल टेक 25 टू 30 डेज, राइट? मैक्सिमम। ओके सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, सो आई थिंक सारे लोगों को समझ में आ चुका है, और ऑल आर द गुड स्टूडेंट हियर। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज की जो वेबिनार है हम लोग यहीं पे आज विराम देंगे, और अगले हफ्ते हम लेके आएंगे कुछ नया चीज़। हो सके हम पूरे रिपोर्ट को उस दिन एक्सप्लेन करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको
हमारे जो रिपोर्ट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको पेज बाय पेज पता चले कि कैसे हमारे रिपोर्ट्स हैं और कैसे उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, देखिए, नॉलेज सिर्फ नॉलेज होके रह जाएगा अगर आप इस किसी को बताएंगे नहीं। शेयर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शेयर करने से आप अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्लस दूसरे के जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। देखिए, बहुत ऐसे आपको जानते हैं जो लोग ये नहीं जानते हैं कि डीएनए में उनके जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, आपके बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में कहीं लाखों दोस्त हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आपके पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो शायद उनको शेयर करने से शायद उनका या उनके फैमिली में किसी के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो जैसे मैं आपको और एक बात था सर, यस सर बोल रहे थे कि ये डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा उसके बाद ही होगा या फिर कोई अपने से भी कर सकता है? डॉक्टर सिर्फ बीमारी आने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या आप एक डायबिटीज डॉक्टर के पास जाके बोलोगे कि सर मुझे डायबिटीज होगा नहीं होगा इसके लिए मैं 500 रुपया फीस दिया हूँ? नहीं, ऐसा बात नहीं सर। तो आपके पास चॉइस है, अगर आप डॉक्टर से प्रेम की संबंध बनाना चाहते हैं तो बीमारी तक वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर के साथ संबंध बनाना नहीं है तो पहले बीमारी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिंपल है, यही तो हम चाहते हैं लोगों तो सर वो सर एक्चुअली अभी जो पोजीशन है, अगर मैं डायरेक्ट जाके अगर डॉक्टर को बोलूं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ये करना है, तो वो तो नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट। आप सुनिए मेरा बात, आपकी जिंदगी में इंश्योरेंस करने के लिए डॉक्टर को जाके पूछते हैं क्या? सॉरी, इंश्योरेंस करने के समय आप डॉक्टर को पूछते हैं? नहीं सर, एकदम नहीं। आपके घर में छत कैसे मजबूत होंगे डॉक्टर को पूछते हैं? एकदम नहीं सर। आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए डॉक्टर को पूछते हैं? नहीं सर। सिंपल ना, डॉक्टर की पास ये विद्या है कि जैसे आपको बीमारी होगा उस स्पेसिफिक बीमारी के बारे में स्पेसिफिक डॉक्टर के पास। आज पहले तो एक डॉक्टर के पास जा रहे थे, अब क्या हुआ, आपको बुखार है, आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाके बुखार की ट्रीटमेंट करोगे? नहीं सर, मैं जनरल फिजिशियन के पास जाऊंगा। हाँ, तो इसीलिए डॉक्टर सिर्फ आपको बीमारी होने, आप जब कोई गाड़ी है खराब नहीं हुआ है, आप गैरेज में जाओगे? नहीं सर, एकदम नहीं। तो अगर जाओगे नया गाड़ी लेके, आप किसी के पास जाओगे, पूछेगा क्या हुआ है? बोले ना कुछ नहीं, ऐसे ही देख लिया। तो बोलेगा नहीं भैया हुआ नहीं कुछ, क्या लिखेंगे, है ना? तो इस प्रकार से आपको आपके शरीर, आपके गाड़ी है, उसको आपको ठीक रखना है, सब कुछ करना है। तो आपको बीच बीच में जैसे गाड़ी को सर्विसिंग करते हैं उसके बारे में ध्यान रखते हैं। आपके इंश्योरेंस जिस दिन खत्म होता है उसी दिन भी आपके सामने ट्रक आएगा, आप खेती में गाड़ी घुसा दोगे लेकिन ट्रक को स्क्रैच करने नहीं दोगे, है ना? क्योंकि उतना प्यार है हमारे गाड़ी में। तो उतना से ज्यादा प्यार अगर आप शरीर को करेंगे, ये हमारा शरीर है, डॉक्टर क्योंकि पूछेंगे, राइट? मेरे परिवार है, मैं उनके बारे में सोचूं, मेरा शरीर है, मैं उनके बारे में सोचूं। डॉक्टर आपको बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए हैं। कोरोना अगर आपको होना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आप प्रिवेंशन लेंगे तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हमारे पास मत आइए, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप घर में ही ट्रीटमेंट कीजिए, शरीर को ठीक रखिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कड़ा पीजिए, ये खाइए, सब पूरे टीवी में चल रहा है। तो डॉक्टर के पास जो है ड्रग और डिसीज, ये दोनों की अगर आपको जरूरत है तो आप जाइए, लेकिन आपके नजदीक जितने भी डॉक्टर्स हैं ये सारे डॉक्टर्स डीएनए को जानते हैं। हाँ, डीएनए में हेल्थ इंडस्ट्री में ऐसे बदलाव आया है, शायद उनके पास अगर जानकारी नहीं है, अगर आप उनको जानकारी दोगे वो आपसे कहीं गुना एजुकेटेड हैं, जानकारी रखते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मुझे पूरे विश्वास है हर डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कितने सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे पैनल्स में बहुत सारे रोज डॉक्टर्स जुड़ते हैं और उनके पेशेंट केयर में भी उनको बहुत हेल्प होगा। तो ये सुनेंगे, डॉक्टर के पास ज्यादा नॉलेज है, तो इसीलिए नॉर्मली एक आम आदमी को सुनने के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार 5 बार जाओगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दोगे, वीडियोस दिखाओगे, हमारे रिपोर्ट दिखाओगे, मुझे लगता है डॉक्टर आपके बारे में सुनेंगे और डॉक्टर्स हमारे लिख रहे हैं, आपके भी लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, राइट? तो सारे लोगों के लिए एनी क्वेश्चन? हेलो,
ओके तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, आपके जो एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, ये डॉक्टर के पास भी पहुंचे, तब आपके हेल्प करेंगे, देश की जरूरत है ना, आम नागरिक के हिसाब से हो सकता है। लेट्स ईच वन टीच 10, राइट, हर एक व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को समझाए, जैसे मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह पे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लोग बाउंस बैक करेंगे, लोगों को जरूरत है, हम एक बार जानकारी तो दें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, और हम अगले हफ्ता फिर से मिलेंगे, आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने इम्यून हेल्थ के बारे में सोचिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, और इसी के साथ साथ आज की वेबिनार को हम यहीं पे विराम देते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट सर।